तो दोस्तों क्या करें, अभी हम इधर आ चुके हैं अपने काम पर और भाई की तबीयत बहुत ख़राब रहने से सोच सोच के इसका बहुत बुरा हाल हो गया। तबीयत भी ख़राब है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। क्या करें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने इनके लिए आपके लिए लाया ना, मीठा भी लाया, कुछ खाओगे? थोड़ा सा रसगुल्ला भी लाया, तो थोड़ा सा कुछ नाश्ता वगैरह खा लो, खाली रोटी वगैरह, और काली चाय भी बना के पड़ी वो ले लो थोड़ी सी। ऐसा ज़्यादा सोचने से थोड़ी चलेगा। कैसा है, अभी जो होना है वो तो होना है, और अपने को हर जगह पे आप देख रहे हैं कि हर जगह पे अपने को हम दोनों मिलके लड़ ही रहे हैं। तो बस लड़ता लड़ना तो है, सोच के डिप्रेशन में जाके अपनी तबीयत खराब करके क्या मिलेगा। अपने को सबको हर चीज़ को फेस करना है, फाइट करना है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। क्योंकि सब छोटा मोटी चीज़ें जिंदगी में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, इसी का नाम तो जिंदगी है कि नहीं? चलो थोड़ा सा रसगुल्ला खा लो। कहाँ रखा आपने? काली चाय। राम राम दोस्तों, मैं गणेश जी और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में आप सबका सुबह सुबह स्वागत है, जोहार। अभी इधर से मैंने मेरी धर्म पत्नी की पसंदीदा चीज़ बना दी है, काढ़ा काली चाय। और अभी मेरी धर्म पत्नी काली चाय पी, और साथ में है इसके फेवरेट और एक चीज़, रसगुल्ला। और थोड़ा सा रोटी भी ले लेना, एक रोटी के साथ काली चाय ले लो, क्योंकि अच्छा लगेगा। उनकी तबीयत कैसा बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो रही, और वो सोच सोच के भाई के बारे में टेंशन लेती जा रही, और इसकी तबीयत ख़राब होती जा रही। पर टेंशन लेके क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ खाना पीना भी तो पड़ेगा। इसलिए अभी थोड़ा रोटी लो, चाय लो जल्दी जल्दी। जी दोस्तों, अभी हम लोग ऊपर आए हुए हैं, मैं और गणेश जी, और यहाँ का जो आज का जो लटकन का काम हुआ है वो लटकन का काम देख रहे हैं। आज भी बोले कि थोड़ा सा अगर आपका माल मटेरियल बच जाए तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा धो दीजिएगा, क्योंकि पपड़ी छूटता। जो इनके दोस्त हैं उन्होंने भी कहा कि उन लोग को हो सके तो बोलिएगा थोड़ा सा साफ कर दे, लेकिन साफ नहीं किया। तो गणेश जी बोले कि कल पानी डाल देंगे, अभी पानी नहीं मार सकते क्योंकि पूरा जो पानी का जो बहाव है, जो लटकन जो बनाएंगे उसी के माध्यम से पानी निकलेंगे। तो अब वो गीला है, भीगा है, तो कल ही मारेंगे पानी, आज ऊपर में पानी नहीं मारेंगे। डेली मारते जो रेलिंग बनाए हैं, 3 दिन हो गया पानी मारना, तो आज स्टॉप रखेंगे, कल पानी मारेंगे, है ना गणेश जी? तो मैं आप लोग को लटकन का जो ये है मैं ऊपर से दिखाती, फिर नीचे से भी मैं आप लोग को दिखा देती। जी गणेश जी, क्या हुआ? लटकन में लटक जाएंगे लटक लटक के लटकन बनाए लटक लटक के लटकन बनाए। और ये जो मैं वीडियो ले रही हूँ ये ऊपर से ले रही हूँ, अभी नीचे से मैं आपको दिखाऊंगी, यह बैक साइड का। और इस तरह से एक दो बोरा रख दिए, हो सके बारिश वारिश आए तो थोड़ा सा बच जाए, है ना गणेश जी? और ये बराबर करने के लिए एक दो पाटिया ठोक दिया है ताकि बराबर हो और अच्छा दिखे। अब हर चीज में जब अच्छा करे तो गणेश जी का कहना है कि थोड़ा सा अच्छा ही करे, अच्छा करते करते चक्कर में क्या हो गया। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं नीचे जाती चलती हूँ। और एक ट्विस्ट की बात बताऊँ, नहीं पीछे नहीं जा रही हूँ मैं, अभी गणेश जी मुझे पकड़ के छत चढ़ाए। मैं मतलब जिद कर रही थी कि मुझे चढ़ना है, तो गणेश जी बोले, मैं एक्चुअली क्या होती है ना, दिन में 2 ही बार चढ़ती हूँ, 2 बार या 3 बार। तो दोस्तों ये आप देख सकते, इधर भी सीढ़ी है और गणेश जी स्पेशल यहाँ सीढ़ी बना रहे हैं। एक सीढ़ी बनेगी हमारी, बोल रहे कि हमारे जो ये है क्या बोलते हैं जी, रिश्तेदार है, यहाँ के रिश्तेदार जो है वो बहुत मोटे मोटे हैं और ससुराल के बहुत पतले पतले हैं। तो पतले लोग ससुराल वाले इस सीढ़ी पे चढ़ेंगे और जो मोटे लोग हैं वो इधर से चढ़ेंगे। इंतजार है कब बना रहा है। टू वे बन गए। और दोस्तों आज मैं आप लोग को जो दिखाने वाली हूँ, मतलब आप लोग बोलते हो सावित्री दीदी खुश रहा कीजिए, कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ। और गणेश जी तो बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी जो मेरी फेस में हमेशा स्माइल बनी रहे। थोड़ी सी दुख है, टेंशन है, लेकिन अभी ये भी करना ज़रूरी है कि घर भी बनाना ज़रूरी है। और बहुत जल्द मैं जाने वाली हूँ मायके, तो उससे पहले मैं बोली जल्दी जल्दी इधर का सारा निपटा लेती हूँ और उधर निकलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, कल मैंने नहीं दिखाया, ये नल का जो काम है वो सीमेंट में ये चल जाएंगे।
बहुत लोग बोल रहे थे ना कि आप कम से कम सबको नजर रखते हुए जब आप सीट बिठा रहे हो तो फॉरेन का भी बिठाइए, वो भी बैठा रहे हो और ऐसे नॉर्मल भी बिठाइए। फिलहाल अभी ऐसे हमारे तीन लेटरिन तीन बाथरूम बन चुके हैं, तीन लेटरिन तीन बाथरूम, मतलब तीन नहाने के और तीन लेटरिन जाने के, इस तरीके से बन चुके हैं। तो तीन सिंपल लेटरिन लगाइए सीट, और इधर में तीन सिंपल सीट के बाद इधर एक कमोड के लिए भी हमने पॉइंट रख दिया है, यहाँ लगेगा कमोड। अच्छा, वेस्टर्न स्टाइल जी जी, तो वो भी हो जाएगा पश्चिमात्य लेटरिन। फिर अब एक उधर है जी, प्रकार के तीन है, वो सभी ऊंचे ऊंचे हैं, यहाँ पर काफी कॉस्टली। हाउस तो हमारा हाइट छोटा है लेकिन हम लोग सब ऊंचे ऊंचे लगाए हैं ना गणेश जी। और दोस्तों इतना सारा जो कड़प्पा है वो बच गया है और भी बाहर में है, जो भैया हमारे यहाँ पर काम कर रहे थे, मैं बोली कि कड़प्पा को थोड़ा सा यूज में ले आइए या कहीं लगा दीजिए, तो भैया बोले अब ये इसका कुछ भी काम नहीं आ सकता, जितना काम था वो मैं कर दिया हूँ। तो मेरे जिद के कारण, पता नहीं दोस्तों सही है या गलत है, आप लोग बताइए। मैं थोड़ी जिद की और मैं बोली जो आप किचन बना रहे थे, तो ये पूरा खुला स्पेस है, आप इधर से ऐसे करके मैं दिखाती हूँ, थोड़ी दूर से ये पूरा खुला स्पेस था, तो मैं बोली कि यहाँ पर और एक कड़प्पा लगा दीजिए। और यहाँ पे कड़प्पा लगाने से क्या होगा, सीधा एक उठा देते हैं, मेरा कहना था कि इसको थोड़ा सा आप ऊपर उठा देते, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक आप लगाए हो गए ये कड़प्पा, वैसे यहाँ पर ऐसे लगा देते। तो भैया बोले कि हम इतना जगह काम किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई नहीं लगाता। तो फिर मैं जिद की, तो नहीं मैं दिखाने ही वाली हूँ, तो भैया बोले कि आपके जिद के कारण मैं कर रहा हूँ लेकिन ऐसे कोई करता नहीं है। तो मैं बोली वो टाइल्स बिठाने में प्रॉब्लम होती है, तो उनका वो उनका आदत है, तो उनको एक्सपीरियंस है, तो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे। तो मेरे कारण वो एक कड़प्पा वहाँ पर बिठा दिए और बोले वहाँ पर पाटा जो है लकड़ी का जो प्लाई आता वो बिठा लीजिएगा डब्बा के लिए। तो फिर हमने सिक्का दे दे के बनाया, टोटल हमारी 82 रुपया का जो सिक्का है, टोटल हर एक कड़प्पा में 80 सिक्का लगा है ना गणेश जी, 80 नहीं लगा, कितना लगा मुझे नहीं, एक कड़प्पा में इसमें एक में 16 लगा, नहीं टोटल कितना लगा वो बोली, टोटल हमको 50 सिक्का, 50 सिक्का लगा क्या? ऐसे भैया 80 कुछ सिक्का बोली, पहला बोला था नहीं लगा, नहीं लगा। अच्छा, 2 रुपया का टोटल हमारा सिक्का 50 लगा। कितनी काम की चीज है, ग्रेनाइट है पर ये कटे वाला है, इसका यूज बताओ क्या है, इसको पीढ़ा बनाएंगे? नहीं दोस्तों हमारे गणेश जी बोल रहे हैं सुनो, आवाज रखने के लिए काम में आएगा बात। अरे हाँ ऐसा लगाएंगे तो शो भी शो और काम पर। वही मैं अभी वीडियो बनाई जस्ट, और मैं बोली इतना सारा जो बच गया कड़प्पा और ग्रेनाइट हो तभी क्या था, चलिए आपने तो अच्छा बुद्धि ले लिया। हाँ तो दोस्तों इधर से देखिए मेरी धर्मपत्नी आज पहली बार महाराजा स्टाइल के ओटे पर बैठ के खड़ी है। आप लोग सोच रहे थे कि किचन का डिजाइन कैसा होगा कैसा नहीं था, आप ये देख सकते हैं, ये है महाराजा सूंड का ओटा, हमारा महाराजा ओटा, महाराजा स्टाइल का ओटा बना है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे ये ओटा बनाने में कितना खर्चा होगा, ये ओटा बनाने में मजदूरी और ये सब सामान पकड़ के 45,000 जी, 45,000 हमारा, मतलब ये अलमीरा वगैरह सब मिला दें? नहीं अलमीरा अलग, सिर्फ ओटा, मैंने सिर्फ ओटे का बताया। अच्छा, तो दोस्तों ये देख सकते हैं महाराजा स्टाइल हमारा बन चुका है ओटा, और ये मतलब जो ऐसा किचन हमारा गणेश जी का कहना है, गणेश जी 2-3 घर गए थे ऐसे देखने के लिए कि कैसे किचन होते हैं, ज्यादातर ये महिलाओं का चीज ज्यादा दिमाग में रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं ऐसे घर में रही नहीं हूँ तो मुझे क्या नॉलेज होगा है कि अभी भी हमारे नीचे ही गैस है, अभी जाके बनाए प्रॉपर, तो अभी भी कुछ बिजली कनेक्शन अभी नहीं हुआ है, तो इसलिए मायके में अभी नीचे एक नो भी हो जाएगा, माहौल भी अच्छा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लगा ये किचन का मतलब डिजाइन, ये वो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सारा जो दिमाग है किचन का वो सब हमारे गणेश जी का है, और आपको पता है कुकिंग भी बहुत अच्छे करते जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगने से नहीं हुआ, अच्छा सबको अच्छा लगना जी जी ठीक, एक्चुअली रहना तो हम ही लोग को है। तो दोस्तों ऐसा कुछ हुआ है, और इसमें और भी एक बात है कि इसमें और काफी कुछ खर्चा कर सकते हैं, जैसे कि नीचे में लोग अभी मॉड्यूलर बनाते हैं, ऊपर भी रैक लगाते हैं पान के ऊपर, तो फिलहाल अभी हमारा बजट नहीं है क्योंकि वो सब करने को कम से कम है। वो सब करने को कम से कम, इधर से क्या बोल रहे,
तो किचन में ऐसे किचन में जितना भी सजाया जाए उतना कम है। अगर इसको मॉड्यूलर किचन नीचे बना लेते हैं हम रैक वगैरह लगा के, और ऊपर भी अगर समझो रैक्स लगाते हैं पान के ऊपर, थोड़ा पान दिखाइए जी। हाँ, तो कम से कम और प्लाईवुड का खर्चा पकड़ के दोनों मिलाकर 4-4.5-4 लाख खर्चा है, तो उतना भी कोई हो नहीं पाएगा जी। कम से कम में भी किया तो भी 2.5 से 3 लाख खर्चा है जी जी। मतलब लोकल चीज लेकर भी तो उतना कुछ करना नहीं है फिलहाल, इतना ही ठीक है। महाराजा होता हाँ। आगे का आगे देखेंगे दोस्तों। फिलहाल मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, और आज मैं वीडियो में स्माइल की हूँ ना, हाँ अब ये नहीं बोलना कि मैं रोते रहती हूँ। और जैसे जैसे मतलब दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे थोड़ी मेरी तकलीफ भी बढ़ रही है, तो खैर सबके साथ ऐसी होती है। तो आज का वीडियो मैं यही आइए ना गणेश जी वीडियो एंड करते हैं। दोस्तों गणेश जी के साथ मैं अधूरी लगती हूँ ना, इसलिए मैं इनको ले लेती हूँ। दोस्तों आई होप आज का ये ब्लॉग पसंद आया, पसंद आए प्लीज़ हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। और मन में तकलीफ है क्योंकि अभी जो मेरा लाडला जो सबसे छोटा भाई है वो जब तक अच्छा से ठीक ना हो जाए मन भारी ही लगेगी। लेकिन हाँ हम लोग भगवान की पूजा बहुत करते हैं, और साथ में अभी मैं भी करने लगी हूँ, सावित्री को नारायण मिल गया है। तो भगवान सब ठीक करेंगे। गणेश जी बोलते हैं भगवान पे भरोसा रखो, बस एक ऊपर वाला है जो हमेशा आपके साथ में रहते हैं जी। तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र।